स्वागत करते हैं बच्चों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंतर्गत प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है एनिमल्स में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो शरीर जो बहुकोशिकीय प्राणी रहते हैं उनका शरीर जो है वो कोशिका से निर्मित होता है। किसी भी प्राणी का शरीर सेल से बना हुआ है। अब ये सेल्स आपस में मिलकर के, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं। ऊतक मिलकर के एक विशेष कार्य के लिए अंग का निर्माण करते हैं। अंगों से अंग तंत्र का निर्माण होता है और ये जो अंग तंत्र होता है ये भी क्या बनाता है, शरीर बनाता है। ये हमने अच्छे से समझा है, इसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक बार फिर से हम देखें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, सबसे पहले किसी भी प्राणी ने क्या सेल किया है, उसकी आधारभूत इकाई है। तो यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल दिख रहा। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र से ऑर्गेनिज्म या जीव शरीर का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत जो मेन इंपॉर्टेंट चीज का फीचर है टिश्यू, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ऊतक की परिभाषा समझेंगे। टिश्यू यानी ऊतक किसी विशेष कार्य हेतु अंतराकोशी पदार्थों सहित समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। सेम सेल्स, ऐसा कि कुछ भी लाकर ढेर लगा दिया, दैट इज नोन एज टिश्यू। तो समान कोशिकाओं का समूह लेकिन किसके साथ, अंतराकोशी पदार्थ, उसमें उसके बीच में जितना भी सिस्टम पदार्थ आ रहे वो सारे इन्वॉल्व रहते हैं, दैट इज नोन एज ऊतक कहलाता है या टिश्यू कहलाता है। ये परिभाषा डेफिनेशन टू मार्क्स के क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। जैसे अपन रिपीट करते हैं, किसी विशेष कार्य हेतु अंतराकोशी पदार्थ सहित समान कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ऊतक के प्रकार। तो प्राणियों की अगर हम बात करें तो इसमें ऊतक चार प्रकार के, पहला उपकला ऊतक है एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका ऊतक यानी ड्राइवर्स। तो ये चार चीजें, ये चार प्रकार के ऊतक है। आज हम पढ़ेंगे इसमें से उपकला ऊतक के बारे में, राइट। तो आज हम अध्ययन करेंगे उपकला ऊतक। सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला ऊतक, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। देखते हैं सरल उपकला ऊतक जो होते हैं वो भी अगेन तीन प्रकार के उनमें सेल्स रहते हैं, शल्की घनाकार स्तंभाकार। शल्की वाली जो सेल रहती है वो चपटी होती है, पतला स्तर जो कहाँ कहाँ होता है, रक्त वाहिकाओं में, फेफड़ों के वायुकोश में, इस प्रकार से एल्वियोलाई रहती है ना, आपने टेंथ में पढ़ा होगा, एक पतला स्तर बनाती है जिससे कि गैसों का विनिमय आसानी से हो सके। घनाकार ये क्या होते हैं, जितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है हमें बॉडी के अंदर उस सब में घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। उनका कारण है सेक्रेशन और अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, ये सारे काम करती है। इसके बाद आता है स्तंभाकार, जो कि लंबी पतली कोशिकाएं होती है, ये पाई जाती है अमाशय में, आंत में, श्वसनिका में, डिम्ब वाहिनियों में, इनमें पाई जाती है। अब आता है एक और स्पेशल ग्रंथिल उपकला। ग्रंथिल उपकला में इसमें ग्रंथियां ग्लैंड्स पाई जाती हैं और इसके आधार पर ये अगेन टू टाइप के होते हैं, बाह्य स्त्रावी जो बाह्य ग्रंथियों मतलब उत्सर्जित भिन्न पदार्थों में उत्सर्जन करते हैं और अंतःस्त्रावी जो अंदर जाकर के सिक्रीशन करती है वो अंतःस्त्रावी ग्रंथिल उपकला ऊतक कहलाते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं, अंतःस्त्रावी ग्रंथिल उपकला ऊतक। अब इसके बाद आता है संयुक्त उपकला। संयुक्त उपकला कैसे होते हैं, मल्टीलेयर है, बहुस्तरीय रहते हैं, स्त्रावण और अवशोषण का कार्य करते हैं, जैसे कि त्वचा की शुष्क सतह, नम सतह बताते हैं, नाल ग्रंथियों में रहते हैं, अग्नाशय की जो वाहिकाएं हैं उनमें उपस्थित रहते हैं।
यहाँ पर हम इन सेल्स को समझ रहे हैं। सबसे पहले है लैटिन सेल या चपटी उपकरण, एक घनाकार उपकरण होता है, ये स्तंभाकार दिखाई दे रही है और इसमें इसकी सेल्स दिखाई दे रही है। टॉल सेल्स रहते हैं और किसी किसी में सीरिया रहते हैं ताकि ये किसी भी चीज को गति प्रदान कर सके, तो ये सीरियटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है। दूसरा आता है इसी में कंपोज जैसे चीजें। यहाँ देखो आप, यहाँ बच्चों देख रहे होंगे कि यहाँ पर मल्टी लेयर, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, इस प्रकार से कंपोज रूप से एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहती है। तो ये था उपकला उदक के बारे में। अगर यहाँ पे भी और एपिथेलियल सेल दिखाई, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अगेन वही चीज आ रही है। सीरिएटेड एपिथेलियम जहाँ पर गति प्रदान करने हैं, जो पोषक पदार्थ है किसी चीज को, तरल पदार्थों का संवहन कराना होता है, सीरिएटेड एपिथेलियम पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी मौजूद है जिनमें ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। बच्चों ये था हमारा उपकला ऊतक के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम संयोजी ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।